अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने फोर्थ क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो में देख लिया था, अब यहाँ पे हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें देखिए, इसका सी पार्ट 3/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर 3, ये आपका एक ब्रैकेट में है, ये आपका एक ब्रैकेट में दिया हुआ है, फिर डिवाइडेड बाय 9/25 इंटू 3/5। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमें कुछ लॉज की हेल्प से कुछ आप इसको एडजस्ट करके तब सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए, हम 9/25 को 3/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ हमने लिखा, और यहाँ दोनों का बेस सेम था, 3/5 और 3/5, तो 2 + 3 ऐड हो गए, दोनों बेस सेम था तो पावर्स ऐड हो गई। इस ब्रैकेट में तो हमने एडिशन कर दिया। अब हम इस ब्रैकेट में हमने क्या किया, 9/25 को 3/5 की पावर 2 लिखा, और 3/5 ऑलरेडी था, यहाँ भी अब बेस सेम हो गए। अब हम इनकी भी पावर ऐड कर सकते हैं, इसकी पावर तो 2 हो गई, इसकी पावर 1 हो गई, तो 2 और 1 को ऐड किया यहाँ पे इन ब्रैकेट में, 2 + 3 तो 5 बन गया, 2 + 1 को ऐड करेंगे 3 बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये डिवाइड में पहुँच गए, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, और जो पावर बड़ी होती है उसमें से छोटी पावर्स पावर को हम माइनस कर देते हैं, तो 5 - 3 किया, हमें मिल गई 3/5 की पावर 2। जब हम 3/5 की पावर 2 करेंगे तो 3/5 की मल्टीप्लिकेशन 3/5 से करेंगे तो हमें मिलेगा 9/25। ओके, अब इसका बी पार्ट, -5/6 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 25/36, तो 25/36 को हम -5/6 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब हमारे बेस सेम हो गए, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिवीजन वाला लॉ लगा के a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m - n, 3 की पावर 2 आंसर आ गया हमारा -5/6। ओके, अब हम पहुंचते हैं सिक्स क्वेश्चन पर, सॉरी, सिक्स क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इवेल्यूएट। अब हमको इसे सिर्फ सॉल्व करना है, तो हमें दिया हुआ था 6/7 की पावर 4 मल्टीप्लिकेशन 2/5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2/5 × 6/7 का स्क्वायर। अब हमने देखा यहाँ 6/7 है, यहाँ 6/7 है, तो हमने इन्हें एडजस्ट करके एक साथ लिख लिया, ऊपर नीचे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में मैंने साथ में लिख दिया। ऐसे ही 2/5 इधर है, 2/5 इधर है, इसको भी मैंने एडजस्ट करके ऐसे लिख दिया। अब हम इनको कॉमनली मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, इसको एक साथ, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन लगा दी, इसको एक साथ। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ डिवीज़न में है ये दोनों, तो 4 - 2 हो जाएगी पावर, तो 2 मिलेगी, यहाँ 3 - 1 हो जाएगी पावर, तो 2 मिलेगी हमें। ओके, देखिए 6/7 4 - 2, तो हमें मिल गया 6/7 की पावर 2, ऐसे ही 2/5 की पावर 3 - 1, तो भी हमें 2 मिल गया। अब हमें पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया a × b की पावर m वाला, जिसमें बेस अलग होते हैं, तो बेस की मल्टीप्लिकेशन हो गई, पावर्स कॉमन आ गई, पावर कॉमन आ गई, जब 6 और 2 की मल्टीप्लाई की हमें 12 मिल गया, 7 और 5 की मल्टीप्लाई की 35 मिल गया, और जब हम 12/35 को का स्क्वायर करेंगे, यानी कि पावर 2, दो बार मल्टीप्लिकेशन, तो 12 की 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 मिलता है, और 35 के 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1225 मिलता है, दिस इज द आंसर। ओके, अब हम मूव करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सिंप्लीफाई, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए, 4 की पावर 0 1 वैल्यू हो गई, 2/3 + 1/3 करेंगे तो ये 3/3 आ जाएगा, 3/3 1 हो गया, तो 1 - 1 हमारा 0 हो गया,
ओके, और मल्टीप्लिकेशन में था हमारा -192 की पावर 5, और इसकी मल्टीप्लाई जीरो से होगी तो जीरो, क्योंकि अगर हम किसी की भी मल्टीप्लाई जीरो से करते हैं तो हमें जीरो आंसर मिलता है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो हमने ए पार्ट किया है इसका, 125 × 5 की पावर 6 इज इक्वल टू 5 की पावर k। 125 को हम 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 5 की पावर 6 है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हमें मिलेगा 5 की पावर 9। एक साइड तो हमारा 5 की पावर 9 है, दूसरी साइड हमारा 5 की पावर k है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें दिख रहा है बेस तो सेम है, पावर्स अलग हैं, तो k की पावर क्या, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। हमें आंसर मिलेगा k की वैल्यू 9। ओके, ये हमारा 8th क्वेश्चन का ए पार्ट था। अब डी पार्ट, यहाँ देखिए 2/3 की पावर 15 / 2/3 की पावर k इक्वल्स टू 8/27। यहाँ डिवीजन में है तो पावर 15 - k हो गई। यहाँ देखिए 15 - k लिख दी मैंने इसको, सॉरी 15 - k। फिर 8/27 को हम 2/3 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि दोनों साइड हमारे बेस एक से हो गए। फिर ऑन कंपेयरिंग, जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें दिख रहा है बेस तो सेम है, पावर्स अलग हैं, तो 15 - k इज इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 18। k इज इक्वल टू 18 इज द आंसर ऑफ द वैल्यू ऑफ द k। अब आता है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन सबको हमें एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना था। तो 9 की पावर 6 / 27 की पावर 3। 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में 6 आ गया। 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ऊपर 3 था, डिवाइडेड में थे। देखो यहाँ ए की पावर एम और एन वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों की, तो ये हमें मिलेगा 3 की पावर 12 / 3 की पावर 9। 3 की पावर 12 / 3 की पावर 9। जब डिवीजन में है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो हमें मिलेगा 3 की पावर 3। इन्होंने हमसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहा था, तो आंसर, सॉरी एक सेकेंड, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहा था तो आंसर 3 की पावर 3 हो जाएगा। लेकिन अगर ये हमसे एक्सपेंड करवाते तो हम इसको एक्सपेंड करके 27 आंसर होता, लेकिन यहाँ 3 की पावर 3 आंसर होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब आता है नेक्स्ट सी पार्ट, 2 की पावर 3 / 8 की पावर 4 / 2 की पावर 3 * 8 की पावर 4 / 2 की पावर 7। तो देखिए यहाँ हम 2 को 8 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर 4 है, तो 4 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर 8 मिल जाएगी, यहाँ देखिए। ओके, फिर हम इन सारी पावर्स को, ऊपर वाली पावर्स को अलग ऐड कर देंगे, नीचे वाली पावर्स को अलग ऐड कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन में है तो ऊपर वाली पावर्स ऐड हो जाएंगी, 11 बन जाएगा। कौन से फॉर्मूले से, a की पावर m * a की पावर n = a की पावर m + n से, ऐसे ही नीचे लग जाएगा ये फॉर्मूला। फिर अब ये डिवाइड में आ गए, डिवाइड में आने के बाद ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी पावर्स, तो हमें मिल जाएगा 2 की पावर 2, विच इज़ द आंसर, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यही हमसे पूछा था इसमें। अब मूव करते हैं 10th क्वेश्चन के ऊपर। 10th में हमें इवेल्यूएट करना है, वैल्यूज निकालनी थी। हमें दे रखा था 2 की पावर 2 + 3 की पावर 2 / 6 की पावर 2। यहाँ देखो सिंपली हमारे पास एडिशन के लिए कोई रूल नहीं है। जब हमारी डिजिट्स, हमारे नंबर्स एडिशन में हो तो हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं है। तो 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 आ गई, 3 की पावर 2 की वैल्यू 9 आ गई। ये 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 कैसे आई, जब 2 की पावर 2 होती है इसका मतलब है 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, ऐसे ही 3 की 2 टाइम्स है तो 3 3 जा 9, तो यहाँ 4 लिखा, यहाँ 9।
इन दोनों को ऐड करेंगे हमें 13 मिला। ओके फिर 6 स्क्वायर, सेम 6 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 6 × 6 यानी कि 36। तो ये डिवीजन में है, इसको हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। दिस इज द आंसर बी पार्ट। 4 की पावर 0 + 9 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 - 10 की पावर 0। तो देखो यहाँ पे 4 की पावर 0 1, 9 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 10 की पावर 0 1, लेकिन ये प्लस में है तो ये तो बनाएंगे 2, लेकिन ये माइनस में है तो ये बनेंगे 0, और जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये 0 देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0। ओके दिस इज योर 10th। अब ये है हमारा 10th क्वेश्चन का डी पार्ट। 2 × 3 की पावर 3 × 64 डिवाइडेड बाय 81 × 4 की पावर 2। यहाँ 64 को हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 एज इट इज़ रहा, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 2 को हमने लॉ लगा के, ए की पावर डिवाइडेड डिवीज़न वाला लॉ लगा के हमने उससे सॉल्व किया। यहाँ ऐसे ही 3 के केस में किया, ये सॉरी दी 4 के केस में ये, 3 के केस में ये। जब 3 - 1 2 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, यानी कि 4 की पावर 1। सिमिलरली 4 - 3 करेंगे तो आपको 3 की पावर 1 मिलेगा, तो 2 × 4 8/3 आ जाएगा हमारा, विच इज़ द आंसर। अब आप 11th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू -3/4 की पावर 6 डिवाइडेड बाय -3/4 की पावर 5, फाइंड ए अपॉन बी की पावर 3। हमें ए अपॉन बी की वैल्यू दी हुई थी, हमें ए अपॉन बी की वैल्यू दी हुई थी और हमसे ए अपॉन बी की पावर 3 की वैल्यू पूछी। तो देखो ये डिवीजन में डिवाइड वाला लॉ लगाएंगे, 6 - 5 होगा 1 आ जाएगा, यानी कि ए अपॉन बी की वैल्यू जो आई हमारी वो ये आ गई, ए अपॉन बी की वैल्यू, ए अपॉन बी की वैल्यू आ गई हमारी -3/4। लेकिन हमसे क्यूब की वैल्यू पूछी थी तो हमने इसको पावर 3 कर दिया। जब हम इसकी पावर 3 करेंगे तो -3/4 × -3/4 × -3/4, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 upon 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, और ये माइनस माइनस की वजह से 3 times minus और टाइम्स होने की वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा, विच इज़ द आंसर। अब ये 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन सेम 11th क्वेश्चन जैसा है, ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स बचे हुए हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के जो मैंने आपको नहीं सॉल्व करके दिखाए, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, नहीं होंगे तो मैं आपको कराऊंगी।